Thank you to teachers. We have organized this program for parents. बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने मतलब स्कूल ने हमारे लिए अरेंज किया. एक्चुअली बहुत पहले होना चाहिए था ऐसे अभी रख कि बच्चा भी नाइन स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट में अगर दो चार साल पहले पता होता तो अभी तक हम बहुत कुछ इम्प्रूव कर पाते. बहुत बढ़िया, सही बात है. लेकिन जो गया आदमी कभी लेट नहीं होता, तो भी सही है. अभी भी कुछ गया नहीं, जो गया हो गया, लेकिन जो है वो आदमी को पकड़ के रखेंगे. सर ने बहुत मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किए, मैंने बहुत सारे सुने. इन्होंने बहुत जो कुछ बताया था इसमें से मेरी कुछ 50% तो मैंने पहले भी सुना था, यूट्यूब पे भी देखा है. लेकिन मेमोराइज कैसे करना है ये फर्स्ट टाइम आया हूँ लेसन. पर उन्होंने जो पाथ बताया स्कूल फिर पढ़ा फिर रिटर्न, ऐसे सारी चीज़ें हम भी बताते हैं. लेकिन जिस तरह से मेमोराइज किया वो बहुत अच्छा था. ऐसा टेक्निक अगर हम अपने बच्चों को भी देंगे या स्कूल में थोड़ा सा डेवलप करेंगे तो पक्का उसमें कंट्रीब्यूशन बच्चे की ग्रोथ में और पेरेंट्स की ग्रोथ में भी और अल्टीमेटली अपने देश की ग्रोथ में. सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने बताया कि कुत्ते जैसा नहीं पीछे पड़ना चाहिए. क्या बात है. तब मुझे सबको पता था कि इनको क्या कहना है, जानवर कौन सा जानवर कहना है, लेकिन अपने मुँह से अपने लिए वो वर्ड नहीं आ रहा था. सबको पता था कि उन्होंने पक्का था पीछे पड़ना चाहिए, लेकिन अपने मुँह से अपने लिए वर्ड नहीं आ रहा था. लेकिन सही यही था. सर मैं इतने बता दूँ उसमें बहुत खुशी का मेरा बच्चा माइंड में. मैंने अभी तक कभी भी उसका भूख देखा नहीं. मुझे हर टाइम यही लगता था कि उसको जो करना है वो करे, उसका बचपन उसको जैसा खेलना है ऐसा खेलते, उसको जैसा करना है ऐसा करे. लेकिन आज ये पता चला कि नहीं, उसके साथ तो रहना इम्पोर्टेंट है. मुझे क्या अंडरस्टैंड करना है वो इम्पोर्टेंट है, मैं उसके साथ में हूँ वो इम्पोर्टेंट है. और डेफिनेटली आई विल टेक दिस विद मी. आज के बाद पक्का मैं वो करूंगा. मुझे नहीं पता है लीग के बारे में, लेकिन आप अच्छा अपने बच्चे से प्यार करते हैं इसलिए लीग आ रहे हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं है. लेकिन सही है, कुछ तो लिया. और इतने ही नहीं कि बच्चे के लिए, मैं मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में 100% रिलैक्स करूँगा. आई विल डू दिस विथ माई टीम. थैंक यू. ग्रेट, वंडरफुल.